है, लेकिन जब भी हमें गुस्सा आ जाए तो हम तांडव करने लग जाते हैं कि ऐसी तैसी कर देते हैं, हमारे घर में इतनी टोका-टाकी क्यों करती है, हमारे सामान को इतना यूज क्यों करती है, ऐसा चांदपुर में हो चुका है, जूठी ने किया था इसके साथ। डराएगी, अपना काम करके चलेगी, मतलब अब दूसरों के घरों में काम करेगी। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से लाइक कर दो। नहीं, कोई बहाना नहीं, सबसे पहले आप लोग लाइक करोगे, ठीक है जी। आज इधर उधर की मैं कोई बात नहीं करूंगी, हमारे साथ वही तीन सहेलियां रहेंगी, तीन बहनें रहेंगी। आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबके हस्बैंड जो हो चुके थे गायब, जाने की हमारे छोटू मल जो हैं, छोटू जीजा जो हैं, वो भी गायब हो गए थे, और हमारी मोटू बिटिया भी गायब हो गई थी एक चुटकी पर। मतलब यहाँ पे एक चुटकी संदूर की तुम क्या जानो बाबू, वो वाला नहीं, यहाँ पे एक चुटकी में गायब करा जाता है, ये गायब करती हैं जादूगरनी, ठीक है, हमारी जूठी जादूगर और हमारी गर्व जादूगर, ये एक चुटकी में सब गायब कर देती है, और चुटकियां बहुत बजा रही है ये जूठी, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहां पर जैसे कि डाइवोर्स का शुरू हुआ था गेम, डाइवोर्स के ही आ रहे थे एपिसोड, तो कहीं ना कहीं अब पतियों को दी जा रही है इज्जत। एजी ओजी कम्युनिटी पर शेयर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं रीड किया तो वो भी रीड कर सकते हैं। तो एजी ओजी बड़े प्यार से, मतलब आप छोटी सी चीज पे ही खुश होकर उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, नहीं तो आप समझदार हो, यहाँ पर समझदारी दिखा रही हैं झूठी, और कहीं ना कहीं गलती का एहसास जो है एपिसोड में नजर आ रहा है गर्ल के, क्योंकि आया मौसम रोमांस का, आया मौसम प्यार का। तो ये तो जी मौसम आ गया है प्यार का, मैंने कल भी बोला है, बहुत सारे डे आ गए हैं, कल तो रोज डे भी था, मुझे खुद को ही नहीं पता था, इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये बातें हैं कि अभी जो कपल एंट्री होगी, जैसा कि चांदपुर वाले भी कहीं ना कहीं जाएंगे, सबके वैलेंटाइन जो है ना वो वापस नजर आएंगे आप लोगों को जल्दी ही इनके एपिसोड में, जो कि एक चुटकी में गायब हो चुके थे, हाइड किए गए हैं, कहीं ना कहीं पछता रही हैं, लेकिन पीआर करना नहीं भूल रही हैं गर्ल भी, और पीआर करना नहीं भूलती हैं झूठी भी, ठीक है। लेकिन झूठी ने 17 का जो सच बताया ना, वो सच सच नहीं, वो झूठ ही लगा था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बेस्ट फ्रेंड जो थी वो इंक्लूड नहीं थी, कि जब होटल की ये प्रमोशन के लिए गए थे, आप लोगों को पता है ना कितना अच्छा बढ़िया वाला बड़ा सा होटल था, है ना, जहाँ पर ये लोग गए थे, तो वहाँ पर वो इंक्लूड नहीं थी, जिस वजह से उसने अपनी अंगूठी देकर अपना ही खुद का बिल जो है वो पे किया था, ऐसा लगा था। और वो 15,000 का जो घोटाला हुआ था, 15,000 का जो लॉस हुआ था झूठी का, वो भी नहीं बताया अभी। लेकिन अभी जो है कि ये बातें 17 की जो 16 की थी कभी पहले, फिर 17 की हो गई, अब कन्फ्यूजन यही क्रिएट कर रही है ना। तो उसमें ये बताया गया कि मम्मी ने कैसे अपनी ही सैलरी से, और कैसे उनकी मदर इन लॉ ने हेल्प करी है इनको, मतलब ये कि तुम एक एपिसोड अब तुम बनाओगी ना, बहुत क्लियर वाले बनाओगे, जो तुम्हारी दिली इच्छा थी ना, अब तुम्हारी दिली इच्छा ऐसे पूरी होगी, तो ये चीजें थी। लेकिन क्लैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अब आप लोग भी सब बातें समझने लग जाओगे, कि देखिए वहां पे उस टाइम पे स्क्रिप्ट लिखी गई थी, आंखें भर आई थी मोटू बिटिया की, कि तुम वो काम को अंजाम दे पाओगी, तुम वो काम कर पाओगी, लेकिन झूठी का फिर वही हुआ ना, आधा अधूरा काम करके मम्मी ने भगा दिया इसको यहाँ से, ठीक है। और अब भी मम्मी के साथ भी इसकी कहीं ना कहीं खटपट है, ये बुलाती नहीं है ना, नाराजगी है कहीं ना कहीं, अदरवाइज आपको पता ही है कि बहुत जल्दी रोज ही बता देती है कि आज मेरी बात हुई। लेकिन बेस्ट फ्रेंड को भी जो मुझे भूली बैठी थी, अभी जो है बेस्ट फ्रेंड के भी आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने कुछ सीन ऐसे आने लग गए हैं कि बेस्ट फ्रेंड की भी अभी याद आने लग गई है, बेस्ट फ्रेंड की याद आने लग गई है। तो ये भी चीजें जो आप लोगों को साथ ही साथ में क्लियर करती जाऊंगी, कि अगर एक फोन की अगर आपके स्क्रीन टूट जाती है तो उसको आप स्क्रीन डलवा सकते हो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी स्क्रीन ना डलवाना, उस चीज को याद रखना बार बार कि ये मेरे ससुराल में टूटा हुआ फोन है, जो कि शादी में तोड़ा गया था जेठानी के बच्चे की ओर से,
गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो जेठानी या ससुराल के किसी मेंबर से हुई है तो वो बख्शी नहीं जाएगी। ऐसी जिद वाली है ये हमारी झूठी। ठीक है, तो मैं आपको वैलेंटाइन की बात कर रही थी, तो इसमें वैलेंटाइन में इंक्लूड ननु और पुत्तन भी हैं। तो पुत्तन भी कहीं ना कहीं याद कर रही है और नन्नू जो है वो तो जी आई लव यू करके लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कपल जो हैं वो एक हो जाएंगे। वैलेंटाइन डे पर आप लोगों को एक हैप्पी एपिसोड के साथ जरूर से मिलेंगे, लेकिन आज जो है पुत्तन का ये कहना अपने एपिसोड में कि अपना काम किया और चली गई, अपना काम किया चली गई, मतलब उसका तो जो काम है बिल्ली मौसी का तो वो उसने करना ही करना है। मेन एक्चुअली में जो अपना काम है वो आप किसी के लिए है, लेकिन आपका इशारा किस ओर है ये आपके व्यूअर्स भी समझते हैं, लेकिन आप कमेंट जो है वो टर्न ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। कोई बात नहीं है, तो सुनो, तो कहीं ना कहीं पुत्तन के जो व्यूअर्स हैं ना वो भी समझने लग गए हैं। तो आज तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं वीडियो की ना शुरुआत वैसे ही करूँ, मैंने ना चाय बनाई है, फिर मैं इधर उधर देखूँ कि मैं सोच रही हूँ आज थोड़े से जाले उतार दूँ। मैं सोच रही थी, देखिए मैंने सब्जी बना ली है, लहसुन छिला है, और मम्मी जो है ना वो सुनते ही नहीं है, बताइए उन्होंने पालक साफ कर दी है। अब मैंने कहा था मैं कर लूँगी, ऐसी ही बातें करने के बाद आपको आई होप मेरा वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। मतलब आप कितना अच्छा कैसे बन सकते हो यार। ठीक है, एक आप लाइव करते हो, अभी मैंने इन कुड़ी का और गर्ल का जो है ना मैटर साइड में रख दिया, आप लोगों को मैंने बता दिया कि उनका कैसे झूठ है, लेकिन क्लैरिटी जो है वो झूठी की ओर से क्लियर कहीं ना कहीं हो रही है बातें। अब तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, डोंट वरी, अब तो छोटी छोटी क्लिप भी शूट करेगी, लेकिन अभी मैटर जो है मैं पुत्तन का ले रही हूँ यहाँ पर, आज के टॉपिक को लेकर, आज के एपिसोड को लेकर। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए आप इतना अच्छा कैसे बन सकते हो, आप इतने अच्छे कैसे हो, क्या आप ये एपिसोड के लिए ही तैयार होते हो? ऐसा खुद आप ही का कहना है ना कि आपकी ये स्क्रिप्ट लिखी होती है, आप ही का कहना है कि हम ये काम करते हैं एपिसोड के लिए। बस एपिसोड में हम लोगों को बहुत अच्छा बनना होता है, हमें बहुत पोलाइटली बात करनी होती है, हमें बहुत प्यार से बात करनी होती है, लेकिन जब भी हमें गुस्सा आ जाए तो हम तांडव करने लग जाते हैं और हम सडनली लाइव कर देते हैं और सबकी ऐसी तैसी कर देते हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों, क्योंकि गलती हमेशा कभी भी माफ़ नहीं की जाती, तो ससुराल वालों की नहीं की जाती। माइक के समय कितनी भी टॉन्टिंग वे में बात हो, तेरे को चल जा तू अपने घर जा तू, और जाती क्यों नहीं है, हमारे घर में इतनी टोका टाकी क्यों करती है, हमारे सामान को इतना यूज़ क्यों करती है, ऐसा चांदपुर में हो चुका है, झूठी ने किया था इसके साथ। ठीक है, तो कल मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन से अखबार में आई थी न्यूज़, तो ये जब चांदपुर आई थी, जब उसका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, जब इनको ये खुशखबरी भी मिल गई थी कि इन पुत्तन का एक न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया है, ये कहते हुए ये लिखते हुए कि छोटे गांव की लड़की ने कैसे अपना सफ़र शुरू किया यूट्यूब का, ऐसे आया था जी। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ बातें जो मुझे क्लियर नहीं थी अभी मैं आ गई हूँ चांदपुर में। इन तीन जोड़ों को ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों को व्यूज़ के चक्कर में डाइवोर्स 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 का दर्द जो है आप लोगों ने शेयर किया है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि व्यूज़ के चक्कर में आपकी लाइफ जो है वो क्या से क्या हो गई है ना। लेकिन यहाँ पर तो मैं झूठी को ये कहना चाहती हूँ कि अब बहुत ही क्लियरिटी के साथ में नए एपिसोड आएंगे, नई स्क्रिप्ट लिखी जाएंगी और डॉलर 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 बहुत सारे डॉलर भी आएंगे, क्योंकि खर्चे ही बहुत हैं, खर्चे ही बहुत हैं। अब उन खर्चों को मैनेज करने के लिए नई नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, नई नई बातें होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया ने ना वो वाला लिया था गिफ्ट आपका, ठीक है, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मोटू बिटिया जो है वो आपसे गिफ्ट लेना क्यों पसंद नहीं करती, कभी ये चीजें आपने क्लियर नहीं करी हैं, क्यों सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करती हैं मोटू बिटिया। ठीक है, अगर ऐसी ही बात होती ना तो अब तक जाकर चांदपुर में सब कुछ ठीक किया जाता, तो अभी ये भी देखा जाएगा कि सीधा शादी के फंक्शन पर ही आप डायरेक्ट पहुंचते हो, जहाँ फिर शादी का फंक्शन निपटाने के बाद जो है वो आप सब कुछ ठीक ठाक करके जाते हो, जाने की पुत्तन जो है, वैसे भी हम लोगों को लग ही रहा है कि वैलेंटाइन डे पे सब कुछ चीज़ें जो हैं ठीक होती नजर आएंगी, क्योंकि डिवोर्स का इन लोगों ने बहुत सारा फंडा जो है रायता जो है फैला लिया, उसके बाद सिंपैथी कार्ड भी खेल लिया इन्होंने, वुमेन सिंपैथी कार्ड भी इन लोगों ने खेल लिया, और सेकेंड जो है अभी ये लोग
कंप्रोमाइज करती हुई नजर आएंगी हम लोगों के सामने कि देखिए बातें तो बहुत हुई हैं, दिल में दर्द बहुत है, लेकिन फैमिली वालों के लिए हम लोग एक मिसाल बन रही हैं कंप्रोमाइज करके, ठीक है। और उसके बाद फिर से इनके हैप्पी एपिसोड आ जाएंगे, लेकिन जैसे व्यूज कम होंगे तो एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और उस नई स्क्रिप्ट में क्या होगा वो सब चीजें जो हैं आप लोगों के सामने भी आ जाएंगी, क्योंकि अब जो है ना बहुत क्लियर वाले एपिसोड आने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, अब कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी का आगे क्या प्रोग्रेस है वो भी सब भूल गए हैं, बतरी का दर्द भी भूल गए, सारे दर्द भूल कर याद रह गया है क्लियर कट कैमरा। अभी बस क्लियर दिखाना है, जो भी दिखाना है क्लियर ही दिखाना है। ऐसी ही हूँ मैं, ऐसी ही रहूँगी मैं, जिद्दी बहुत हूँ, जो कर कह दूँ तो वो वैसा ही होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि देखिए हमारा, देखिए मेरा काम है घर जोड़ना, मेरा काम नहीं है घर तोड़ना। मैं घर नहीं तोड़ती हूँ तो जोड़ के दिखाओ। अभी आप जाओगे डीजेगंज में तो फिर घर जो है वो जोड़ के दिखाइए। तोड़ने में तो आपने 1 मिनट लगाया और फिर भगली वहां से, है ना, अब जोड़ के दिखाइए। तो यही वो बातें हैं जो गांव वालों को भी पता लगने लग गई हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में तो पूरे ही वो खबर हो गई है, और ये भी चीजें जो है देखने को आप लोगों को मिलेंगी। क्या ये अभी जो इनकी फैमिली में एक मिसहैपनिंग हुई है तो क्या ये वहां पे भी जाते हैं? जाते हैं मतलब जाती हैं ये, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जाते जाते थोड़ा सा यहाँ पर पुत्तन को भी बता दें, थोड़ा सा पुत्तन के ऊपर भी बात कर लें कि पुत्तन जो है पहले छत पर जाती है, भागी भागी सी वेट कर रही है वो नन्नू की, पतंग की कहीं कटके आए गिरे और जहाँ पे मैसेज लिखा हो। देखिए आई लव यू वाली तो कटके आ गई है, पता लग गया है सबको, है ना, मतलब दुनिया को ही पता लग गया वो। लेकिन अभी जो पतंग का इंतजार करा जा रहा है ना, वो वैलेंटाइन डे वाली पतंग का करा जा रहा है कि कैसे कहाँ पे डिनर प्लान करा जाएगा, कैसे कहाँ पे हम घूमने जाएंगे, कैसे कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाग के नीचे भी आ जाती है। अपना तो भैया यही है कि ये तीनों जोड़ियां जो हैं अभी थोड़ी अलग अलग होती नजर आई हैं, तो अभी जल्दी से ये एक होती नजर आएंगी अपने हैप्पी एपिसोड के साथ। तो चलिए हमारा भी ये एपिसोड यहीं तक था, तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।